उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र देहरादून में 5 सितंबर से होगा। सत्र 8 सितंबर तक प्रस्तावित किया गया है। सत्र में अनुपूरक बजट पेश होगा, यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बता दें कि कानून विभाग का 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच विधानसभा सत्र आहूत करने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया। इस पर विमर्श करने के बाद इसे 5 सितंबर से करने का निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य और कानून मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र आहूत होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी में हुआ था, आगामी सत्र देहरादून विधानसभा में होगा। उन्होंने कहा कि सत्र 8 सितंबर तक आहूत होगा और उस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक 5 सितंबर को विधानसभा सत्र के पहले दिवस में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास को श्रद्धांजलि दी जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आहूत हो रहा है और चूंकि आप जानते हैं कि आज जो माननीय मंत्रिमंडल ने भी यही प्रस्ताव पारित किया है और ये जो हमारा सत्र होना है देहरादून में होना है। साथ में ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मार्च में गैरसैंण में हुआ था और उसमें सितंबर से पहले होना था, ये इसमें हमने निर्णय लिया है। और साथ में अनुपूरक बजट भी इसमें हम लोग ला रहे हैं ताकि जो हमारे बजट की स्थिति है, आप जानते हैं इस बीच में अनुपूरक की भी आवश्यकता रहती है, तो सप्लीमेंट्री बजट भी इसी सत्र के दौरान हम लोग लाएंगे।